घर के बाहर बैठे युवक की हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। बाहरी दिल्ली के बवाना थाना क्षेत्र के बाजिदपुर गांव की यह पूरी वारदात बताई जा रही है। आपसी रंजिश के तहत भी इस पूरे कांड को देखा जा रहा है। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर शख्स को मौत के घाट उतारा गया है। वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी बाइक सवार कुछ बदमाश आते हैं और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। तो घर के बाहर बैठे युवक को गोली मारी गई है। गोलियां बरसाकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। दो बच्चे आए, वो फोकर गया घर, पूछ गया हमने, फोकर गया घर, बता दिया हम भाई उड़े के चले जाओ। वे चले जाकर ना नहीं पाया, फिर एक बंदा उन्होंने छोड़ के आया, फिर वापिस आके फिर आने के ना वे पूछने लगे, बोला भाई उड़े तो कोजा रहा था वो, तो भाई हमने ना बेरा उनका छोरा है वो उड़ रहा होता कि मका घर ने कहा वो, तो फिर आने के ना फिर बोला भाई बात करिए फोन पर, फिर जिसके गोली लगी है किसने बात करी, वो अगले ने पूछा भाई तेरा कौन बोला, भाई बोला भाई काला बोल लू, हर्षित मिश्रा संवाददाता जुड़ चुके हैं। हर्षित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि आखिर क्या मामला था, क्यों युवक की हत्या की गई? हर्षित मिश्रा संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हर्षित, क्या कुछ जानकारी अभी मिल पाई है कि आखिर क्यों युवक की हत्या की गई? देखिए, शुरुआती जांच में कहीं ना कहीं ये देखने से लग रहा है कि ये मामला गैंग वॉर और आपसी रंजिश से जोड़ करके देखा जा रहा है। पुलिस भी इसी पहलू से जांच कर रही है और साथ ही साथ आसपास के जो लोग हैं और परिवार के लोग हैं उनसे लगातार पुलिस की जो पूछताछ है वो जारी है। अगर इस इलाके की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो गैंग वॉर की वारदातें हैं वो बढ़ती हुई नजर आई हैं, और अगर दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर कहीं गैंग सक्रिय है वो भी बवाना नरेला अलीपुर इलाके में ही सबसे ज्यादा जो गैंग है, जो क्रिमिनल गैंग्स हैं वो सक्रिय हैं। और इसी को देखते हुए जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया, घर के बाहर बैठे हुए नरेंद्र नाम के युवक को बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, 7 गोली लगी, जिसकी मौके वारदात पर नरेंद्र की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस दावा जरूर कर रही है कि जल्द से जल्द मामले को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम देकर के हमलावर फरार हुए हैं उससे यह बिल्कुल साफ है कि बदमाशों के दिल में पुलिस का रंच मात्र भी खौफ नहीं रह गया। यही वजह है कि चलते फिरती रोड पर घर के बाहर एक युवक को गोली मार करके बदमाश फिल्मी अंदाज में फरार हो जाते हैं। जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया हर्षित आपका।